हेलो। हाँ मामा जी नमस्ते। अरे आप एक बात बताओ, कौन से जन्म का आपने बदला लिया है हमसे? नहीं आप एक बात बताओ, जिस लड़की से शादी कराई थी उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया आपने। और दूसरी बात, रात जो जब वो बेड पे बैठी थी उसके पास गया मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कि भाई मेरी शादी हुई है, आज तो चुम्मा लेके मानूंगा। जब मैंने जैसे उसका घूंघट उठाया, सुनो मामा, जैसे मैंने उसका घूंघट उठाया उसका पूरा मुंह नाक से सन्ना था। हाँ नहीं अब एक बार, पूरा नाक है, जैसे नाक जो ऐसे आ रही थी और नाक और नाक को ऐसे ऐसे चाट रही थी जैसे घी चाटते हैं। हाँ और एक बात और, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नाक तो आई जाती है लड़कियों की, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको घूंघट घूंघट उठा के पूरा उठा के देखा तो उसके सर पे बाल ही नहीं थे, वो तो पूरी गंजी थी। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये भी मैंने एडजस्ट कर लिया, चलो लड़कियां गंजी होती हैं बहुत सी। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको देखता हूँ, अच्छे से निहारता हूँ, और उसका पता ही नहीं चला वो मुझे देख रही है किसी और को देख रही है। हैं वो तो भेड़ी थी मामा। ये जो आपने किया है ना मेरे साथ, ये बहुत ज्यादा गलत किया है। आप टेंशन ना लो, जब आपकी लड़की की शादी होगी ना, ऐसी लड़की से शादी कराऊंगा ना जो चलने में भी नहीं चल पाती हो। हाँ और हैंड तो देखो, उसकी सगली लोगों को पसंद ना आएगी, ऐसी लड़की से शादी कराऊंगा, टेंशन ना लो आप। हाँ नहीं बोल के कि बहुत अच्छी लड़की है। अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हो, मामी से पिटवाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। हाँ और जो सबसे लड़ाई था पिंचू पिंचू है ना तुम्हारा लड़का, हाँ उसका उसकी नाक मैं तोड़ूंगा, ठीक है। हाँ अब बताओ, ऐसी लड़की से शादी करा ली, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक, मैं तो बड़ा एक्साइटेड था भाई मेरी बीवी बहुत सुंदर होगी, दोस्तों को बताऊंगा। अब वो तो रहटली भी है, गंजी भी है और वो पहड़ी भी है, कौन सा ऐप उसमें नहीं है बताओ। हाँ सारे नहीं नहीं भैया, जो बोलते हैं ना कि मेरे को परी मिलेगी, मैंने आज रियलाइज कर लिया, जो ज्यादा उछलते हैं ना परी मिलेगी सुंदर मिलेगी, वो मेरे साथ हो गया। मैं सारे दोस्तों को बोल दूंगा आगे से कभी ये मत बोलना कि बहुत अच्छी लड़की से शादी होगी, और सबको बोल दूंगा लव मैरिज तो गलती से भी मत करना। हाँ लव मैरिज क्यों, वो इसलिए पिछली अभी 2 महीने हुए मेरा दोस्त शादी करके लाया था, अच्छी लड़की थी, वो किसी और के साथ भाग गई, लव मैरिज करी थी। हाँ घर में घर वाले उसको सब ताने मारते हैं। हाँ नहीं नहीं अरे गांव का ही दोस्त था, अरे पूरे घर वालों से लड़ाई कर ली उसने। हाँ सभी घर वालों से लड़ाई कर ली, कह रहा था मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, तो घर वालों ने करा भी दी, और कराने के 2 महीने बाद वो लड़की गई किसी और के साथ गई भाग। हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लव मैरिज कभी भी मत करना, माँ बाप की बात मानना और शादी करना, ठीक है, घर वालों की इच्छा से शादी करना, ये लंबे इसके चक्कर में मत पड़, ठीक है। हाँ हेलो। हाँ पैरी पहना पापा जी। पापा जी नाश हो गया घर में, क्या बताऊँ मैं, कैसे बहुत ज्यादा बहुत बड़ा नुकसान हो गया पापा जी, बर्बाद हो गया मैं पापा जी, घर में चोरी हो गई, अरे बहुत सब कुछ ले गए चोर। हाँ पापा जी चोर वैसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन मेरी लुगाई को चुरा ले गया पापा। हाँ कल ही मेरी शादी हुई थी और लुगाई को ले गया चोर। अब मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गया तो पुलिस वाला पूछ रहा था कि कैसी दिखती थी तुम्हारी लुगाई, पापा मैंने तो उसका घूंघट भी उठा के नहीं देखा, अब क्या बताऊँ मैं उन्हें कैसी थी मेरी लुगाई। हाँ अब मुझे क्या पता कितना मेकअप करती थी कैसी थी, अब बताओ वो लेके चला गया। पुलिस वाला कह रहा था थोड़ा तो बता, मैंने भैया मेरे को कुछ नहीं पता, चंपांजी सी शकल की थी कैसी थी कुछ नहीं पता पापा, अच्छी लगती थी बुरी लगती थी, ले दे के शादी कराई थी, आप तो वहाँ जाके बैठे हो और यहाँ मेरी लुगाई भाग गई, बताओ। नहीं बाद में पता चली पापा वो चुराने वाला पुलिस वाला ही था, घर में आके जो चोरी करके ले गया है ना, हाँ वो पुलिस वाला ही चुरा के लेके गया है, मेरे को तो 2-3 लठ मारे भगा दिया बाहर पापा, सब छुजा दिया मैं तो पीछे से, अब मैं क्या करूँ बताओ, ले दे के ये शादी हुई थी मेरी, शादी भी नहीं हो रही, मैं रड़वा ही मरूँ पापा बताओ। मैं ये कह रहा हूँ सुनो, तुम दुबई रह रहे हो ना, दुबई से मेरे लिए लुगाई ले आना एक, ठीक है,
सुंदर सी, नहीं कोई नहीं अंग्रेजन ले आना, चिमकांडी सी शकल हो कैसी भी मुझे कोई नहीं, लेकिन ले आना पापा, अब रहा नहीं जा रहा, उम्र बीत गई मेरी बताओ। सारे दोस्तों ने शादी कर ली मेरे, दो दो बच्चे घूम रहे हैं उनके साथ, बताओ। एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, उसने भी शादी कर ली, वो अपने बच्चों से मामा मामा गिलवाती है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। हाँ चलो ठीक है पापा। पापा बर्बाद हो गया मैं। पापा ज्यादा वो मत करो, बता रहा हूँ मैं।